नमस्कार। और 2019 नए साल में हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है कर्मयुग, और इनके इस पिक्चर के जो हीरो हैं हमारे लक्ष्य डोगरा जी, ये आपसे कुछ बात करेंगे इस शुभ अवसर पे। आज प्रीमियर है हमारे मूवी स्टार जोगेश्वरी मुंबई में, तो इनसे कुछ बोलिए सर। आप पहले बताइए कि लक्ष्य के साथ, लक्ष्य की पहली मूवी थी, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कहीं ज़्यादा डांटते खानी पड़ी कि नहीं आपसे? नहीं, बहुत होनहार लड़के हैं, और एक ही बार में ज़्यादा हमें ये नहीं किए, रिटेक नहीं दिए हैं, और बहुत समझदार हैं, अच्छे कलाकार हैं, पहले से तैयारी थी इनकी एक्टिंग की, और बहुत ही आगे जाके ये बहुत स्टार बनेंगे भोजपुरी के, ये हमें पूरा यकीन है। और कर्मयुग की कहानी किस तरह है और दर्शकों को कितना लुभा पाएगी कहानी? देखिए, एंटरटेनमेंट फिल्म है, पूरा मतलब मारधार ड्रामा रोमांस हर चीज़ है इसमें, जैसे कि फिल्में चलती हैं, लोगों को दर्शकों को पसंद होती है, उस टाइप से ही हमने बनाई है फिल्म। फिल्म की शूटिंग की बात करें, किस किस लोकेशन पर इसकी शूटिंग की गई है? जी, हमने गुजरात में शूटिंग की है, राजपिपला में। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी पहली फिल्म थी, कितना आपको कोई मन में डर था या कुछ ऐसा था आपके मन में? डर तो था, जब आपने आपके किरदार की आपने स्टोरी सुनी तो आपको क्या लगा आप इस किरदार को बखूबी निभा पाएंगे? पहली बात तो जब मैंने सुना, कि मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी, तो मतलब ये बात सुनकर तो मैं पहले ही डर गया था। तो ठीक है, कैसे कैसे हिम्मत जुटाई, कैरेक्टर को समझा, स्क्रिप्ट को समझा, गेटअप लिया, जो भी है सब समझ के लिया, फिर जैसे कैमरे के सामने आया फिर और डर लगा, फर्स्ट टाइम था। बट रतन सर थे हिम्मत देने के लिए मेरे को, तो उन्होंने बोला अलग कर सकता है, ऐसा नहीं है यार, थोड़ा कॉन्फिडेंस रख, कैमरे को देख, कैमरा समझ, डायलॉग समझ, फीलिंग्स ले, सब समझ में आ जाएगा। थैंक यू। मैं बुरी पिक्चर शूट हो गई। तो इस फिल्म के बाद आगे किस फिल्मों के लिए और भी क्या हैं आप? अभी एक कब्जा है, इसका स्क्रिप्ट चालू है अभी काम, और नहीं अभी और एक है, इसका मतलब अब तक टाइटल सेट नहीं हुआ, मतलब बैक टू बैक अब मूवी के लिए तैयार है। जी जी, हाँ, प्लानिंग हो रही है जी। और इस फिल्म में जब आपने इस किरदार को निभा रहे थे तो आप बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा डर था, लेकिन इस फिल्म को पूरी होने के बाद आज आप फिल्म देखने पहुंचे हैं, तो कितनी खुशी इस बात की? खुशी तो बहुत है, पहली पिक्चर है, मैं खुशी तो जाहिर कर नहीं सकता यहाँ जी। आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी मौजूद होंगे मूवी देखने के लिए, क्योंकि आपकी पहली मूवी? जी जरूर होंगे, मेरे डैड तो है ही, अंकल है, मामा ऑन द वे, मेरे दोस्त लोग हैं और आ रहे हैं, आई होप कि पूरा हिट थिएटर भर जाएगा। फिल्म कैसे मिली आपको? क्या है कि इनका इसका जवाब तो रतन सर इन्हीं ने सिलेक्ट किया है मुझे, मैंने ही सिलेक्ट किया, इन्हीं ने सिलेक्ट किया, इन्होंने बोला था छोटा सा, इन्होंने बोला था एक छोटा सा मुझे एक क्या बोलते हैं इसको रोल दिया, उन्होंने बोला ये छोटा सा स्केड है प्ले करके दिखा मुझे कैमरे में, करके दिखाया, इनको अच्छा लगा, उन्होंने ले लिया। तो आगे क्या लग रहा है, किस तरह के किरदार को निभाने में सक्षम है लक्ष्य? एक मिनट वेट, नीचे करो पहले माइक। चलिए देखिए, ये आने में सक्षम है, ड्रामा एंड एक्शन, एक्शन में तो ज़बरदस्त है, और रितेश पांडे और इनके साथ जो जोड़ी है इस फिल्म में बहुत ही उम्दा जोड़ी है, बहुत अच्छी बनी है फिल्म, रितेश पांडे और इनकी जोड़ी, और इन्होंने काफ़ी मेहनत की है एक्शन में, नए नए थे, काफ़ी हौसला बढ़ाया मैंने, और मैंने ही कास्ट किया था, एक दो बार हमने देखा था, हमारे हाइट वाइट बहुत अच्छा है यार भोजपुरी के लिए, और एक्शन हीरो के लिए तो ज़बरदस्त है, तो लक्ष्य तुम आ जाओ फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैंने ले लिया इस फिल्म में। तो लक्ष्य भोजपुरी में तीन सुपरस्टार बनना चाहते हैं, तो लक्ष्य किसको फॉलो करते हैं, किसको देखते आ रहे हैं, किसकी मूवी ज़्यादा देखा है पहले, उसके बाद आप? पहली तो ये मेरी पहली पिक्चर है, मैंने आज तक कभी कोई पिक्चर बनाई नहीं है,
और ये पिक्चर के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, एक्शन मिलेगा, मतलब एकदम टॉप स्टोरी है, मतलब एक बार देखने जैसी पिक्चर है और इसमें पूरा एक लास्ट तक आप कभी बोर नहीं करेंगे। तो इस फिल्म में जो कलाकार है, लक्ष्य की बात करें उनकी फर्स्ट मूवी, और भी जो उसके कलाकार हैं, उन लोगों को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा, उन लोगों ने कैसा अपना परफॉर्मेंस दिया? अच्छा परफॉर्मेंस दिया, कोऑपरेट किया और आगे भी मैं उनके साथ पिक्चर बनाऊंगा। तो पहली मूवी है, आगे और भी मूवी की तैयारी है या चालू है? तैयारी चालू है, आगे अगली भोजपुरी पिक्चर है और एक हिंदी पिक्चर है। तो भोजपुरी में सुपरस्टार बनना चाहता है, तो आपने उनको छोड़कर आपने खुद का सैलरी लाने की कोशिश आपकी जब की पहली मूवी, क्योंकि वो भी अच्छी एक्टिंग करता है, इसके लिए उसको हम लोग परफॉर्मेंस किया है। तो आगे मूवी में लक्ष्य रहेगा या कोई नया लक्ष्य ही रहेगा? आगे की मूवी में लक्ष्य रहेगा। ऐसी क्या खास बात नजर आ गई कि हर मूवी में लक्ष्य होंगे? मेरा फेवरेट है इसके लिए। आपका फेवरेट खिलाड़ी नहीं है? नहीं है, नया जनरेशन है तो नया कुछ सीखने को मिलता है। और कितनी खुशी है पहली मूवी है आज रिलीज हो चुकी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। लोगों की बधाई आई आपको? अभी तक तो कंटिन्यू चालू है बधाई आने की। धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए फिल्म तो एक्शन मूवी है और जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि भोजपुरी में एक्शन जो है ये एक ट्रेंड है, सो इस सब्जेक्ट को हम लोग ने इस फिल्म में मेंटेन करने की कोशिश की है ताकि एक फैमिली बैकग्राउंड भी मिल जाए, एक्शन भी मिल जाए, रोमांटिक भी हो जाए, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक अच्छी कमर्शियल फिल्म बनाई है जो मेरे हिसाब से भोजपुरी ऑडियंस जो है ये इसको लाइक करेंगे। तो भोजपुरी, भोजपुरी में जो एक बातें आती है अश्लीलता की लेकर, उसको लेकर लोग फिल्में नहीं देखने जा पाते, तो इस बात को ध्यान में रखा है? नहीं नहीं, देखिए ये तो हर एक इंसान का बोलने का तरीका है, नज़रिया है। आप ये नहीं बोल सकते कि हिंदी फिल्म में अश्लीलता नहीं है। अभी देखिए आप हिंदी फिल्मों में भी, सॉरी हिंदी फिल्मों में भी ये है कि ये देखो किसिंग शॉट, ये शॉट दो, ये तो आपको देखने मिलता ही है। ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता कि भोजपुरी में कुछ इतना ज़्यादा गंदा बताते हैं जो आप उसको अश्लीलता बोलते हैं। बाकी ठीक है, सोचने वाले के ऊपर है, हमने फिल्म बनाई है, एक्शन है, रोमांस है, फाइट है, सब कुछ है, लेकिन मैंने तो नहीं देखा ऐसा कुछ। तो फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ की है और किस प्रकार की दिक्कतें भी आई फिल्म की शूटिंग के दौरान? नहीं देखिए दिक्कत तो कुछ नहीं आई क्योंकि फिनेंशियली हम लोग सब कुछ रेडी थे। फिल्म राजपिपला में शूट हुई है और वन शेड्यूल कंप्लीट करके, पोस्ट प्रोडक्शन करके जितना जल्दी हो सके हम लोग ने इसको दर्शकों के बीच में लाने की कोशिश की। अभी एक्चुअली मैं बिहार रिलीज़ करना चाहता था, हमारी फिल्म मतलब बिहार बिक चुकी है, मगर वहाँ क्या है अभी ठंडी का माहौल है और 6 महीना पीछे जाके उसको रिलीज़ करना तो उससे अच्छा था तो इसको मुंबई से शुरू करें। देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में भोजपुरी में जिस हिसाब से खेसारी जी है, पवन जी है या अपने निरहुआ जी है, ये तो मतलब टॉप में है, तो और एक्टिंग में भी अच्छे हैं, तो हम लोग ये चाहते थे कि इसमें किसी नए को हम लोग चांस दें। जैसे रितेश पांडे, ये उभरते कलाकार है, तीन ये हमारे जो तीन स्टार्स हैं इनके पीछे अगर नंबर किसी का लगता है तो आज रितेश जी का है। पॉपुलर सिंगर हैं, उनके गाने आप लोग वेव हुआ या जितने भी भोजपुरी चैनल्स हैं उसमें आप देख सकते हैं। दूसरा लक्ष्य है, तो लक्ष्य भी जो है ये एक्टिंग में बहुत तगड़ा है, आप इसकी फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों का जो कॉम्पोजिशन बैठा है इस फिल्म में, एक जोड़ी के हिसाब में, दो पैर के हिसाब में, मतलब दो हीरो के हिसाब में ये देखने को मिलता है और मज़ा आएगा पब्लिक को, ऑडियंस को देखने में इसको। पहले तो आप लोगों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ और मैं शंकर गुरु हूँ सीतामढ़ी बिहार से, और करण सर ने और रतन सर ने मेरे को इस फिल्म में कास्ट किया है। इसमें 4-5 सीन है मेरे इस फिल्म में और काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बेसब्री से इंतज़ार थी इस फिल्म की रिलीज की डेट की, तो मुझे स्पेशल बुलाया गया है। मैं सीतामढ़ी बिहार से अभी आया हूँ इस प्रीमियम पे खास करके, और साथ में ही नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए करण सर लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं, उस फिल्म का नाम है कब्जा। तो आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छी मूवी बनी है, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, तो सो आप लोग जाकर देखिए, और पब्लिक के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं रहता है, इसलिए मैं सबसे बड़ी बात होती है कि
जो पब्लिक होते हैं वही हमारे दर्शक जो है वही हमारे आगे के आधार होता है कि हम लोग अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट करें और हमारा पिक्चर स्वीकार करें। इसलिए मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और कुछ पूछे आप। ओके सर, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आनंद देव मिश्रा और मेरे जितने भी मीडियागण हैं सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि आज फिल्म रिलीज़ हो रहा है कर्मयुग, और जिसके जिन्होंने किरदार निभाया लक्ष्य ने और करण जी ने बहुत ही अच्छा इस फिल्म को आगे बढ़ाया है और इस फिल्म का प्रमोशन बहुत ही अच्छा है। मैं यही दुआ करता हूँ माता रानी से कि ये कर्मयुग फिल्म बहुत बड़ी हिट हो, और साथ ही साथ रंजीत जी को बहुत बधाई और लक्ष्य भाई को बहुत बधाई हो, रितेश जी को और पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई हो। लक्ष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और लक्ष्य भोजपुरी का फ्यूचर है और बहुत अच्छा है, इसने काम की है। मैं तो एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर इसको डिस्ट्रीब्यूट की है और मैंने जब पिक्चर देखा तो मुझे लगा कि हाँ, पिक्चर जो है एक साल में अगर कुछ नए लोगों में कुछ अगर बनी है तो यही है बस, और यही सोचकर हमने डिस्ट्रीब्यूशन इसकी शुरू कर। तो लक्ष्य की हर फिल्म में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? जी, लक्ष्य की हर फिल्म में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? कोशिश हमारी रहेगी क्योंकि इसकी एक्टिंग से तो हम इसके फैन हो चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये फिल्म का मैंने ट्रायल शो देखा है, तो ट्रायल शो में मैंने देखा कि सारे जो एक्टर इन्होंने अच्छा काम किया है, खास करके लक्ष्य का जो रोल है, जो उसने कितनी सुंदरता से वो रोल को निभाया है, तो ऐसा लगा है कि ये उभरते हुए कलाकार है और भोजपुरी इंडस्ट्री में ये अपना करियर अपना मुकाम ज़रूर बनाएंगे। जिस हिसाब से इन्होंने एंट्री की है, लाजवाब एंट्री है, तो हमारी शुभकामना है कि आप इसी तरह पिक्चर बनाते रहिए और इसी तरह पिक्चरों को हमारे सिनेमा में दर्शकों के लिए ये पिक्चरें लगाते रहिए। ठीक है, थैंक यू। आप सब लोगों को पहले मेरा नमस्कार, दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आया हूँ कर्मयुग देखने, हमारे लक्ष्य जी को दिल से शुभकामना है। मैं सारे आगंतुकों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, भोजपुरी सिनेमा में। वो आए, मेहनत करें और स्टार बने। वैसे उनके साथ साथ मैं अपकमिंग सुपरस्टार के भाई की भी सिनेमा देखने आया हूँ। कर्मयुग के मेन हीरो रितेश पांडे जी, मैं दिल से कहता हूँ आने वाले समय में रितेश पांडे जी आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक अपकमिंग स्टार्स के रूप में आ रहे हैं। टीम के तमाम लोगों को मेरी तरफ से शुभकामना। मैं आज फिल्म देखने आया हूँ, मेरी तरफ से फिल्म के लिए भी ईश्वर से बहुत शुभकामना, अच्छी चले, दर्शकों को पसंद आए, हमारे प्रोड्यूसर खुश हों, टीम के सारे लोग खुश हों, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। फिल्म तो बहुत अच्छी है, फिल्म का नाम है कर्मयुग, और जहाँ तक रितेश पांडे का इतना बड़ा नेटवर्क इस समय खासकर भोजपुरी फिल्मों में चल रहा है कि उन्होंने मात्र एक ही गाना से जाए चंदा करके गाना जो उनका हिट हुआ, फिर वो रातों रात फिर स्टार बन गए और उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई, तो उसमें ये इनकी दूसरी या तीसरी फिल्म है। लेकिन मुझे लगता है कि अब तक की जितनी उनकी फिल्में बनी, ये कर्मयुग सबसे अच्छी फिल्म है। करण डोगरा जी जो इसके प्रोड्यूसर हैं, रतन राहा जी डायरेक्टर हैं, और लगभग 8 गाने हैं इसमें, तो 6 गाने तो रितेश पांडे ही गाए हैं और उन इसमें एक सेकेंड लीड भी हीरो हैं, लक्ष्य नाम है उनका। तो फिल्म की कहानी कर्म, पहले तो नाम इसका कर्म युद्ध था लेकिन किस कारण बस कर्म युग रखा गया। फिल्म बहुत अच्छी बनी है और रितेश पांडे ने अपना इसमें बखूबी एक्टिंग किया है। गीतकार इसमें राजेश मिश्रा जी हैं, मुन्ना दुबे हैं, कई गीतकार हैं, सारे गाने इसमें अच्छे बने हुए हैं। देखिए, ज़्यादा खुलासा हम नहीं करना चाहेंगे, कई फिल्में सारी हमारी आ रही है। अभी एक फिल्म आ रहा है हमारा प्रेम युद्ध,
हाँ वो उसका म्यूजिक चल रहा है, आज ही रिकॉर्डिंग है। तो अभी तो बहुत सारी बालूघाट फिल्म है, बिहार एक्सप्रेस है, प्रमोद प्रेमी, इन्हीं के कई फिल्म है, रितेश पांडे जी का अभी का सिंदूर की सौगन वो आ रही है। वैसे मैं अभी तो भोजपुरी फिल्म से वैसे संन्यास लेना चाह रहा हूँ, ये खुलासा ठीक। वजह ये है कि हम जो है भोजपुरिया बाद में हैं, पहले हम हिंदुस्तानी हैं, तो भोजपुरी में हमारी लगभग 100 से ऊपर फिल्में आ गई, 125 फिल्में, लगभग 125 फिल्मों पर हमने काम किया। तो अब लग रहा है कि ये स्ट्रगल हमारा बंद हो रहा है, तो हम थोड़ा हिंदी फिल्मों की तरफ रुझान कर रहे हैं, तो भोजपुरी को कम करेंगे या बंद करेंगे तभी हम हिंदी की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो फिर हम उधर एंट्री नहीं हो पाएगी। तो भोजपुरी में जैसे दर्शकों ने हमको काफी प्यार दिया है, क्या जी कहते हैं कि उतना प्यार दर्शकों का मिल पाएगा? अब ये तो दर्शक के ऊपर है, क्योंकि भोजपुरिया माटी से हम ताल्लुक रखते हैं, तो बहुत सारा प्यार मिला, मैं उनको तहे दिल से शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और नए साल में हम लोग जहाँ तक एंट्री किए हैं, तो सभी पूरे देशवासियों को, पूरे बिहार यूपी के दर्शकों को मैं नए साल की हार्दिक शुभकामना देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि ये कर्मयुग फिल्म जो आज प्रीमियर है यहां मूवी स्टार हॉल में, हम सभी आए हुए हैं, सारे कलाकार आए हुए हैं, तो फिल्म को देखें, पर्दे तक जाकर देखें, और गाने आप विश्वास करें, जो हमको आपने इतना प्यार दुलार दिया, हमारे गाने को पसंद करते हैं, तो वाकई इसके सारे गाने मेलोडियस है, मेलोडियस के नाम से हम जाने भी जाते हैं शायद, तो सारे गाने एकदम इसमें लव सॉन्ग है, रोमांटिक है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें, और मुझे विश्वास है कि फिल्म अच्छी लगेगी। तो 2019 में नए साल में कोई संकल्प लिया है आपने? संकल्प तो ये है कि अभी तक जो हमने जीवन जिया, जो त्रुटियां थी, जो बुराइयां थी, जो हमें कमियां थी, उसको दूर किया जाए, और लोगों से परस्पर प्रेम बनाकर जिया जाए, क्योंकि ज़िंदगी जो है बहुमूल्य है, बड़े भाग से इस ज़िंदगी को हमने पाया है, और इसको सुचारू रूप से सारे गिले शिकवे दूर करके, हाँ ये है कि हम इस नए साल में संकल्प करके हमने चाय का बलिदान किया है, हमने चाय पीना छोड़ दिया है, क्योंकि अब तक पीते आए, तो ये एक संकल्प लिया, और बाकी तो है ही कि सारे अच्छाइयों को ग्रहण किया जाए और बुराइयों को दूर किया जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद। हमारा भाई जो है बहुत आगे जाए, लक्ष्य के साथ हम लोग दूसरी फिल्म भी कर रहे हैं, दूसरी फिल्म हम लोग कब्जा, नहीं इसमें नहीं, कब्जा में इनकी दूसरी फिल्म है जिसमें मैं भी हूँ, और उसमें इनके बाप का रोल कर रहा हूँ मैं, जो है अच्छा है, अच्छा इसमें से। अब मैं बहुत अभी कुछ नहीं बोल सकता कि नहीं मैंने फिल्म देखी अभी तक, ना ही कुछ जाना, बस एज ए गेस्ट अनुजन बुलाया, आए हैं, आगे हम फिल्म देखते हैं सब लोग साथ में। अगली इनकी प्रोडक्शन की दूसरी मूवी में लक्ष्य बाबू हीरो हैं, तो उसमें बालेश्वर बाबू हम भूमिका में हैं, इसलिए इनको हम लोगों ने बुलाया, बधाई देने आई है बच्चे को। तो बालेश्वर जी के भी हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे कर्मयुग के प्रीमियर में आए और हम लोगों को बधाई दिया, इसलिए बालेश्वर बाबू को वेरी वेरी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।